Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur. I am an English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 16, that is continuous tenses, present and past. Continuous tenses ke bare mein hum padhenge, lekin kaun se? Present and past. Okay. So on page number 86, there it is given sentences that tell us about action that are happening at the time of speaking. ऐसे sentences जो हमें ऐसे actions बताते हैं, ठीक है, जो particular activity हो रही है, लेकिन कब, जब हम उस activity के बारे में बोल रहे हैं तभी वो activity करी जा रही है, that is present continuous tense. We use is, am or are and the present participle to express this tense. ठीक है, sentences ऐसे sentences, ऐसे activities को बताते हैं जो कि पर्टिकुलर एक्टिविटी करी जा रही है जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग नियर द विंडो. ठीक है, मैं किसके पास में बैठी हूँ? नियर द विंडो, विंडो के पास में. करण इज प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, करण क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. मोहित एंड सूरज आर गोइंग टू द बुक फेयर. मोहित एंड सूरज कहाँ जा रहे हैं? बुक फेयर में, जहाँ पे मेला लग रहा है. जहाँ पे किसका मेला लग रहा है? सारी बुक्स ही बुक्स का मेला लग रहा है. तो मोहित एंड सूरज वहाँ पर जा रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 87 एक टॉपिक दे रखा है आपको, लर्न. ठीक है, उसमें देखें आप, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून. मैं कब जाऊँगी लाइब्रेरी? आफ्टरनून में. वी आर सेलिब्रेटिंग डैड बर्थडे और डैड्स बर्थडे ऑन संडे. हम लोग डैड्स बर्थडे, पापा का बर्थडे हम लोग कब सेलिब्रेट करेंगे? ऑन संडे को. संडे को हम लोग पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. माय आंट इज टेकिंग अस टू द म्यूजियम टुमारो. मेरी आंटी हमें कहाँ लेके जाएगी? म्यूजियम लेके जाएगी. लेकिन कब? कल लेकर के जाएगी. डिड यू नोटिस दैट द प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान फॉर द नियर फ्यूचर. अब आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया, पहले तो हमने यहाँ पर देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस को बताते हैं जो ऐसे एक्टिविटीज जब बोलते टाइम करी जा रही है. ठीक है, वो एक्टिविटी जब हो रही है हम उसके बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, तो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्टिविटीज को भी बताते हैं जो कि एक थोड़े से टाइम बाद होने वाली है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. सेंटेंसेस दैट टेल्स अस अबाउट एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट. ऐसे सेंटेंस ऐसी एक्टिविटीज को बताते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे करी गई है, पहले ही पहले किसी पर्टिकुलर टाइम पे करी गई है. सो सच सेंटेंसेस आर सेड टू बी द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. And we use was or were as a present participle to express this sentence. For example, I was clearing the cupboard. ठीक है, मैं कबर्ड क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसे एक्टिविटीज को बताते हैं जो पास से करी हुई जा रही है, जो पास से एक्टिविटी शुरू हो गई पर वो अभी तक भी क्या है? कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही है. तो आई वॉज क्लियरिंग कबर्ड, मैं कबर्ड क्लियर कर रही हूँ. पेटर वॉज कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट. पेटर क्या कर रहा है? उसका असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटीज हैं. ठीक है, देट वर गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी टाइम पहले शुरू करी गई थी. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 90. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. कमर वॉज हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव. कमर डिनर कर रहा था जब हम वहाँ पे पहुंचे. मदर वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल. जब मैं स्कूल से वापस आई तो मदर, मेरी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. हियर वी सी दैट द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड. ठीक है, अब हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं ये सेंटेंस ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे एक्शन को बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं जब कुछ और एक्टिविटीज हो रही हैं. जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, कमर वॉज हैविंग डिनर When we arrived, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कमर डिनर कर चुका था. मदर वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वन आई कैन बेक फ्रॉम द स्कूल. ठीक है, मदर वहाँ पे न्यूज पेपर पढ़ रही थी जब मैं वहाँ पे घर पे पहुँचा. मतलब कुछ ऐसे एक्शन टेक प्लेस, मतलब कुछ ऐसे एक्शन हो चुके हैं जब कुछ और भी उसके साथ हुआ था.
ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर. एक्सरसाइज विल बी प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ फॉर्म. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.